ईवीएम में हुई चोरी कांग्रेस ने दिखा दिए सबूत। बीजेपी नेता ने काउंटिंग से दो दिन पहले ही बता दिया परिणाम। एमपी चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है कांग्रेस। ईवीएम में चोरी हुई है, चोरी ऐसी कि आसानी से पकड़ी ना जा सके और जो चोरी की बात कहे उसे ही झूठा साबित किया जा सके। सबसे पहले मीडिया के जरिए माहौल बनवाया गया। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर सीटें दिखाई गई। प्रशासन ने डाक मतपत्रों में विरोधी दलों को उलझा दिया और ईवीएम में खेल कर दिया। भांडेर से जीते कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे मैं अपना मुंह काला करूंगा। पारदर्शी चुनाव नहीं हुए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो कमलनाथ ने कहा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। एग्जिट पोल से माहौल तैयार कराया गया और फिर ईवीएम से खेल कर दिया गया। बीजेपी हार गई थी, हम लोग जीत रहे थे, जनता ने तो कांग्रेस को ही वोट दिया था। कमलनाथ ने दावा किया है कि अभी हम लोगों की बात सुन रहे हैं। कई उम्मीदवार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके गाँव में 50 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिले हैं, पहले सभी की सुन लूँ तब फैसला लूँगा। इस बीच कहा जा रहा है कांग्रेस एमपी चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। इस बीच दिग्विजय सिंह के दावे ने तो पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। दिग्विजय ने खाचरौद नागदा के बीजेपी प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान की जीत पर संदेह जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर 2 तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, लाल बैकग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पोस्ट काउंटिंग से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को लिख दी गई थी। नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान कर लें, ऐसा कहीं होता नहीं है कि किसी को परिणाम की खबर है, लेकिन बीजेपी है तो सब मुमकिन है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में ऐलान किया था कि बीजेपी की सीटें 300 के पार आएंगी। उनके इस बयान के बाद 303 सीटें आई। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा की लहर थी, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और सरकार बन गई। बीजेपी को परिणाम पहले पता होते हैं, चुनाव बाद में होता है, और जो दावा बीजेपी के नेता करते हैं वही परिणाम ईवीएम दे देती है। साफ है सवाल ईवीएम पर ही उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो 2003 से ही ईवीएम पर सवाल कर रहा हूँ, जब हम जीते उस समय भी ईवीएम पर सवाल किया, इसलिए ये कहना कि हार गए हैं इसलिए ईवीएम की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। दिग्विजय ने इससे पहले कहा था कि डाक मतपत्रों ने बीजेपी के दावे की पोल खुद ही खोल दी है। 230 सीटों में से 199 पर डाक मतपत्रों में कांग्रेस को लीड मिली थी, जबकि ईवीएम की गिनती में हम चुनाव हार गए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो परिणाम इतने अलग क्यों हैं? अगर चुनाव मतपत्र से होते तो बीजेपी को जीत नहीं मिल पाती। अब कांग्रेस नेताओं को इस बात की चिंता दिख रही है कि अगर 2024 का चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस एमपी चुनाव परिणाम के साथ ईवीएम से चुनाव नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। चुरहट से चुनाव जीते अजय सिंह राहुल ने कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और थी और चुनाव परिणाम कुछ और आए। प्रदेश की जनता को ही भरोसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। हमारी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही थी, जबकि बीजेपी की रैलियों में लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं विजय लक्ष्मी साधव ने तो ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि वोट गिने ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा मतदान की 2 पेटी खुली ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।